लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। कल हमने आपको दिखाया था कि छठ घाट की क्या कुछ तैयारी थी और कद्दू भात की क्या कुछ तैयारी थी और किस प्रकार कद्दू भात जो है छठ प्रति उत्सव के साथ कद्दू भात का जो दिन है छठ पर्व का पहला दिन वो मना रहे थे। आज जो है खरना पर्व है और खरना पर्व का छठ पूजा में एक विशेष महत्व होता है। हम आपको बता दें कि खरना पर्व जो है विशेषकर आज के दिन को शुद्धिकरण माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन के बाद जो है 36 घंटे का निर्जला उपवास जो है छठ व्रती रखेंगे। और आज जो खीर और पूड़ी है जिसे गुड़ का खीर हम कहते हैं या बखीर कहते हैं, उनका सेवन करके जो है उनको ग्रहण करके छठ व्रती आज से 36 घंटे के निर्जला उपवास के साथ कल पहली अर्घ के दिन जो है तालाब में खड़े होकर के सूर्य भगवान से और छठी मैया से वरदान मांगेगी। तो इस वक्त हम महागामा के सिमड़ा में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर छठ व्रती हैं। आप देख सकते हैं कि जो नियम निष्ठा है, नियम निष्ठा के साथ यहाँ पर आज खरना का जो भोजन बनाया जाता है वो बन रहा है। और सबसे बड़ी बात खरना का यह होता है कि खरना का भोजन जो है वह आम की लकड़ी से जो है बनाया जाता है। हालांकि आधुनिक दौर की वजह से कुछ लोग अब इसे गैस सिलेंडर में या फिर कोयले की आग में भी बने पकाते हैं, लेकिन अभी जो है जिस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं यहां पर जो छठ व्रती हैं ये कई सालों से कई दशकों से जो है छठ व्रत करते आ रहे हैं और अभी जो है उन्हीं पुराने नियम निष्ठा के साथ यहां पर छठ मनाते हैं जो नियम निष्ठा पूर्वजों से चलता आ रहा है। हमारे साथ यहां पर छठ व्रती हैं, हम आपको इनसे बात कराते हैं कि खरना का क्या कुछ महत्व होता है और किस प्रकार खरना मनाया जाता है। स्वागत है आंटी आपका। तहों छठ कर लो। हां हां वो छठ कर लो। इतिहास करिर लो। 55 लगातार आज खरना है, क्या कुछ होता है खरना का नियम? खरना दिन यही दिन भर उपवास रखकर स्नान करना, रसिया बनावा, सुहारी बनावा, कन्या अर्घासन करी ले तब तने तो चाहिए। आज यानी कि घर में अर्घासन होता है, अर्घ जो है वो घर में देते आज से ही है, उपवास शुरू हो जाता है। आज से उपवास, आज से उपवास शुरू हो जाता है। उसके बाद अभी ये भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद क्या भूखे रहना? हाँ भूखे रहना। उसके बाद हाँ। तो अभी क्या क्या बन रहा है? अभी रसिया बना, सुहारी बना। रसिया किस चीज का बन रहा है? गुड़ का। और क्या क्या नियम निष्ठा होता है? बता दें कि खरना पर्व जो होता है ये शुद्धिकरण, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि शुद्धिकरण इसे कहा जाता है कि आज के दिन शुद्धिकरण होता है। और जो विशेष होता है वो ये होता है कि जो खरना जो छठ व्रती होते हैं वो खरना के दिन से या फिर छठ के पहले दिन से ही एक अलग स्थान पर सोते हैं चटाई बिछाकर, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि शुद्धिकरण का और शुद्धता का यह धर्म होता है। यही एक पर्व होता है जिसमें किसी प्रकार के सौहार्द बिगड़ने का कोई चीज नहीं होता है। हर एक पर्व में आपने सुना होगा कि शराब की दुकानें बंद होती हैं, सौहार्द बिगड़ने का खतरा होता है, लेकिन ये ऐसा पर्व है, इतने नियम निष्ठा का पर्व होता है जिसे हर कोई श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अंकल भी हैं, ये भी छठ मनाते हैं, इनसे आपको बात कराते हैं। क्या नाम? विद्यासागर पासवान। कब से छठ कर रहे हैं? 1995 से। तो लगातार छठ? हाँ, 1995 से लगातार छठ कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले मेरे माता पिताजी करते थे, तो फिर 1995 से हम लोगों को बोला आप लोग अब कीजिए, तो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, निष्ठापूर्वक से करते हैं। और ये पर्व बहुत मतलब शुद्धता और मतलब व्यवहारिक सामाजिक तरह से मनाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव ऊंच नीच की कोई भावना नहीं रहता है। और इसमें जाति धर्म का तो खैर कोई बात ही नहीं है, इसमें मुस्लिम लोग भी हैं, वो लोग भी मनाते हैं छठ पर्व। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि कई ऐसे जगहों पे सुना गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी छठ पर्व मनाते हैं, या फिर जो सूप होता है वो छठ व्रती को जो है अपना सूप करने के लिए देते हैं। आगे क्या बोलते हैं? आगे है कि इसमें आम का लकड़ी से हम लोग जब शुरू किए, माता पिताजी जब शुरू किए आम का लकड़ी से बनाने के लिए, तो उस टाइम से हम लोग आम के लकड़ी से ही बना रहे हैं। नियम भी यही कहता है, नियम भी यही कहता है, लेकिन अभी का आधुनिक युग में आम का लकड़ी उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी गैस सिलेंडर या अन्य प्रकार का सामग्री से बनाते हैं। लेकिन इसमें बहुत निष्ठा और मतलब आस्था का ये पर्व है,
और मतलब खुशी से मनाते हैं हम लोग। और जब से हम लोग मना रहे हैं पर्व साल मना रहे हैं, सब परिवार सुखी संपन्न, देश परिवार समाज बहुत अच्छा से है। तो आप जैसे कि बता रहे हैं 27 वर्ष से आप उनका जो नया छठ पर्व अभी नए त्यौहार रखेंगे उनके लिए जो पहले से कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा सहयोग लेना होगा। उस सहयोग लेने से वो बताएंगे कि पहला दिन, ये चार दिन का पर्व है, पहला दिन होता है कद्दू भात, और कद्दू भात जिसको नहाए खाए कद्दू भात हम लोग कहते हैं वो हुआ पहला दिन। दूसरा दिन हुआ खरना, खरना में जो है वही गुड़ चावल का जो है खीर, मतलब खीर बनता है, सुहाड़ी बनता है। इसके बाद ये बनने के बाद जो है चूल्हा इसका अलग होना चाहिए, लकड़ी आम का होना चाहिए, और क्या बोलते हैं बहुत निष्ठापूर्वक उस टाइम में बच्चे को दूरी में रखना चाहिए कि किसी प्रकार का मतलब अशुद्धता ना फैले, और घर का आदमी लोग भी शांत भाव से रहते हैं। इसके बाद ये होने के बाद फिर जो परवेतिन है जिसको हम छठ व्रती कहते हैं वो फिर अर्घासन करेंगे केला के पत्ता में, उसमें सखवा का पत्ता नहीं होना चाहिए, यानी कि अर्घासन जो केला के पत्ता में अर्घासन करेंगे। उस टाइम एकदम शांत रहना चाहिए, मतलब समाज भी शांत रहना चाहिए, घर का परिवार भी शांत रहिए, आवाज नहीं आना चाहिए। कहा जाता है आवाज चले जाने से फिर विघ्न हो जाता है, आवाज चले जाने से वो जो परवेतिन है जो बरती है उस जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर वो चर्च जैसे बोलते हैं चर्च करते हैं, मतलब खाते जो है वो जो प्रसाद ग्रहण करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही विशेष महत्व है और ये विशेष नियम है कि जो जो भी छठ व्रती होती हैं वो जो आज के दिन भोजन ग्रहण करती हैं उनके कानों में एक भी आवाज जो है नहीं जाना चाहिए, ऐसा नियम है। और वही होता है कि जो भी छठ व्रत करते हैं उनके जब आज का भोजन ग्रहण करते हैं उस समय भोजन के समय पे उनके कानों में एक भी आवाज नहीं जाता है, जिसके बाद उनका भोजन करना सही होता है और उनका व्रत जो है वो निष्ठापूर्वक होता है। आगे आज का जैसे कार्यक्रम हो गया, अब कल पहला अर्घ है, पहला अर्घ में सूप में नारियल डाब आदि तना वाला, हल्दी तना वाला, मूली तना वाला, पंचमेवा, शकरकंद, इसके बाद मूली, नींबू, वो जो ठेकवा हम लोग जो बोलते हैं जिसको खबोनी भी बोलते हैं वो भी बनाया जाता है, वो भी उसमें चढ़ाया जाता है, और अन्य प्रकार का जिसको जितना सामर्थ्य होता है सामग्री देके फिर शाम को अस्ताचल सूर्य को अर्घ हम लोग देते हैं। अस्ताचल सूर्य को अर्घ देने के बाद यानी कि मतलब डूबते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देंगे। क्या नियम है डूबते हुए सूर्य? डूबते हुए सूर्य को क्या कि कल षष्ठी है, कार्तिक शुक्ल पक्ष का षष्ठी तिथि है, तो कल डूबते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देंगे, और फिर जो है दूसरा दिन जो है उगते हुए सूर्य को हम लोग सप्तमी तिथि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद फिर पर्व का समापन होगा। समापन होने के बाद फिर परवेतिन लोग वो सूप का प्रसाद उस मतलब पूजा वगैरह करके फिर जो है वितरण करेंगे, सब मिलजुल के खाएंगे। तो आज छठ का दूसरा दिन है, खरना है, विशेष महत्व होता है क्योंकि अर्घ जो है वो आज से ही घरों में स्टार्ट हो जाता है। हम आपको कल की भी तस्वीर दिखाएंगे कि पहला अर्घ है किस प्रकार से गोड्डा में मन रहा है, और इसके बाद कोशिश करेंगे कि छठ का हर एक चीज, वो छोटा छोटा चीज आपको बता सकें जो कि एक छठ व्रती के लिए आवश्यक होता है।